ये अपने गाड़ी की तो बहुत बात कर लिया ओवरऑल जो भी है गाड़ी में, बट आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग था, उसमें मैं उसकी बात करूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत लोगों को नहीं पता होता उसके बारे में, तो उसके लिए हमें चलना होगा अंदर। आज मैं बात करूँगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो मैं आपको आज इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो लेफ्ट ये है, इसको क्लिक करने से इस किलोमीटर वगैरह कंट्रोल करता है, ए बी ट्रिप्स, ये नॉर्मल ट्रिप हो गया। इसको अगर दबाए रखेंगे ना तो ये जीरो कर देगा लाइक दिस, तो ये बस किलोमीटर के लिए है। अब इसकी बात करते हैं हम इसके राइट वाले इसके बटन की। ये अपने को फर्स्ट क्लिक करने पे बताता है कि अपने ये कितने किलोमीटर, मतलब कितने टाइम में कितने की स्पीड पे रही है और क्या एवरेज दे रहा है, और ये अपने ड्राइविंग टाइम बताता है। ये आइडियल फ्यूल सेव के भी जो है अपना आइडियल फ्यूल वाला बटन है, इसकी वजह से कितना फ्यूल बचा है और कितने टाइम तक इसने काम किया है। ये नॉर्मल घड़ी है, ये अपना टॉर्क और पावर बताता है, ये एनिमेशन में बताता है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। ये ब्लैंक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस पे, जो मैं गाड़ी लेते हुए या कई बार इसमें ऑटो डोर अनलॉक नहीं आता है, जैसे गाड़ी बंद करी, जैसे गाड़ी बंद करते हैं ना पर इससे दरवाजे नहीं खुलते, उसको कैसे कंट्रोल करें ये कोई बताता नहीं आपको। इसके लिए मैंने स्पेशल टोयोटा में जाके ही पता करा था ये कैसे होएगा। इसको उसके लिए हमें दबाए रखना पड़ेगा राइट वाले बटन को, वो भी पहले घड़ी पे ला के। ये घड़ी आ गई, अब इसको दबाए रखेंगे, ये आ गया। अब इसको इसे रोटेट करने पे ही आगे पीछे होएगा। इसमें ये डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी की लैंग्वेज है, अलग 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 फंक्शंस है इसमें। मैंने जो ऑटो अनलॉक वाला डोर का सिस्टम था जो इसमें आता नहीं था, वो मैंने इसमें जाके इसको ऑटो अनलॉक पे सेट कर दिया। ऐसे आप भी कर सकते हो। इसमें और भी फंक्शन है, जैसे अपना ये डिस्टेंस यूनिट हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो एक माइल्स और किलोमीटर में आपको जो सा अच्छा लगे, जैसे मेरे को किलोमीटर का रखा तो किलोमीटर, वैसे लगभग सब किलोमीटर में ही रखते हैं, किलोमीटर ही सही लगता है यार, अपने कौन माइल देखता है। फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हो इसमें आप, ये किलोमीटर में दिखानी है, लीटर पर 1000 ml में ऐसे कुछ दिखानी है या फिर MPG में दिखानी है, ये उसमें देख सकते हैं। इसमें भी लोग किलोमीटर ही रखेंगे, क्यों कौन चेंज करेगा। ये लैंग्वेज में आ गया, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है भाई और कुछ आती नहीं है। फ्यूल रीसेट हो गया, ये कि भाई मैनुअली विद ट्रिप फ्यूल का हिसाब किताब रख सकते हैं इसमें आप। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ये अपने को डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में देखना है, ये उसके बारे में बताएगा। ये सेंसर भी है इसमें, नॉर्मल मोड पे, ट्रेलर मोड पे, लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं आप इसमें, फुट लाइट की, जैसे ये नीचे वाली लाइट्स आती है, ये वगैरह ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट गाइड लाइट, ये AC, इसमें सबसे अच्छा एक फंक्शन है AC वाला। इसको अगर आप, ये ऐसे स्टैंडर्ड पे आता है, अगर आप इसको इकनॉमी या कंफर्ट पे करेंगे तो इसकी, मतलब इकनॉमी करेंगे तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लेकिन कंफर्ट पे करने पे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना भाई पीछे AC इफेक्टिव थोड़ा सा कम है, उसके लिए बहुत बढ़िया फंक्शन है कि भी पीछे वाला AC को थोड़ा ठीक किया जा सकता है इसके कम्फर्ट मोड पर ला के। हो सकता है इससे थोड़ी सी एवरेज कम हो जाए, बट कम्फर्ट मोड में कूलिंग अच्छी ही होगी, अभी ये स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है। अब बात करते हैं ये डिस्प्ले आइटम में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कार कलर हो गया, ये जैसे वो अपने एनिमेशन में कार बनी आती है जो स्टार्टिंग में दरवाज़ा खुलने पे एनिमेशन में, तो उसमें दिखा सकता है कैसे कलर की कार अपने को रखनी है। ये कैलेंडर फॉर्म वगैरह सब, ये मतलब जो अपने को नॉर्मल स्क्रीन पे रखने, जो आप बैक करने पे आएगी उसके लिए है सब कुछ, ये सब कुछ हुई है। अब इसको बैक करते हैं, बैक के लिए उसके ऊपर बैक पे जाके क्लिक करना पड़ता है। ये एनिमेशन हो गया, एनिमेशन डिफ़ॉल्ट, बस यही कुछ है इसमें मेन चीज़ें। एक्चुअली ना ये किसी कोई टोयोटा वाला बताता नहीं है, इनको बताने के देना चाहिए। मेरे को भी प्रॉब्लम हो गई थी जैसे डोर अनलॉक करने में, तो टोयोटा वालों ने कुछ बताया नहीं, अगर ये बता के देते तो मेरा एक चक्कर कम हो जाता, क्योंकि तो स्पेशल जाना पड़ता है इसके लिए कि भाई ये खुलता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें ये बता के नहीं देते। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज और फ्यूल जो इसकी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, ये रीसेट करने वाला भी नहीं बताते, इसको भी अगर रीसेट करना है तो दबाए रखना पड़ता है। ये भी ज़रूरी चीज़ है, अगर आप सोचते हो कि इंस्टेंटेनियस एवरेज दिखा रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं दिखा रहा है, ये ओवरऑल ही दिखाएगा कि भाई सिटी और उसको मिला के कितना चली है। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको रीसेट ही करना पड़ता है। इसको इससे अच्छे से स्विफ्ट थी हमारी, उसमें इंस्टेंटेनियस अलग दिखाता था और एवरेज अलग दिखाता था, इसमें एक में ही काम चलाना पड़ेगा आपको रीसेट करके। बस यही कुछ है इसमें, और कुछ है नहीं खास। चलो वीडियो का एंड करते हैं,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और भाई बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख के जा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये चीज़ें मोटिवेट करती रहेगी हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए और वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।